सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लाहौर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने गली में फैमिली को लूट लिया। थाना मुगलपुरा की हदूद में तीन मुसल्ला डाकुओं की वारदात की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अहमर खोकर से। अहमर बताइएगा, इस तरह मुतअद्दिद वाकयात सामने आ रहे हैं लाहौर से, तो ये हो क्या रहा है? और पुलिस ये कहती है कि वो मन्नत मान रही, तो हर केस में मन्नत मानी जा रही है क्या? देखिए, सीसीटीवी की जानिब से ये रेप केस का जो है केस वो तो सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर में चोरी डकैती की वारदातों में भी जो है वो खौफनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। आपको बताता चलूं कि लाहौर का इलाका मुगलपुरा है जहाँ पर ये डकैती की वारदात हुई है, और इसमें देखा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज जो एरिया को मौसूल हुई है कि तीन डाकू जो है असला बरदार डाकू हैं, पैदल आ रहे हैं गली की तरफ, और इन तीन डाकुओं ने जो फैमिली एक आगे से मोटरसाइकिल पर आ रही है, मोटरसाइकिल पर सवार फैमिली को रोका है, असले के जोर पर उनसे डकैती की वारदात की है। किसी किस्म का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उनको असले की तो उन्होंने लूटा है, तो जो फैमिली वहां पर मौजूद थी, खातून भी थी, बच्चा भी था, वो भी जो है काफी ज्यादा परेशान होकर खौफो हरास फैल गया उनमें। और अभी जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो इलाके में भी जो है बड़ा खौफो हरास देखने में आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक देखा जा सकता है कि जो तीनों डाकू हैं उन्होंने फैमिली से लूटमार की है, और असले की नौकर उनसे मोटरसाइकिल छीनी है। मोटरसाइकिल भी ले गए फैमिली की? हाँ जी बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक आप देखें कि बकायदा नजर आ रहा उसमें कि असले की जोर पर उन्होंने मोटरसाइकिल छीनी है, उनसे नकदी छीनी है, और फिर वो जो तीनों पैदल डाकू थे वो उसी मोटरसाइकिल पर सवार होके जो है वहां से चले गए हैं, और वो जो फैमिली थी जो मोटरसाइकिल पर आई थी वो पैदल हो गए हैं। इसके हवाले से क्रिमिनल्स पैदल आए थे, मोटरसाइकिल ली और चले गए, और साथ में उन्होंने लूट मार भी की फैमिली के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।